मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था। और कहती है डोंट लूज हेल्थ। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा और छत्तीसगढ़ी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी खाते हैं। जी हां, फिट इंडिया मूवमेंट के एक साल पूरा होने पर उन्होंने हाल ही में ये बात कही है कि वे मोरिंडा यानी कि ड्रम स्टिक के पराठे अपने बचपन में कैसे बनाते थे खुद और खुद उसे खाया करते थे। ड्रम स्टिक लिप्स के फायदे तो आप जानते ही हैं, तो आप अपने कानों से खुद सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा इसके बारे में और इसे हम चलिए बनाएंगे। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप खुद ही देख लीजिए उन्होंने क्या कहा, वे कैसे बनाते थे अपने बचपन में और इसे खाते थे। मेरी अपनी भी एक रेसिपी है जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूँ। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि वे बचपन में मुनगा के पराठे खुद बनाया करते थे और उसे खाया करते थे, और यही बात उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे एक साल पूरा होने पर कहा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मुनगा भाजी के पराठे बनाना। पराठे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा, और ये मुनगा भाजी की पत्तियां हैं जिसे मैंने अच्छे से तरीके से साफ कर लिया है और इसे धोकर पानी झाड़ कर इसे सुखा लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे पहले आटे में, और फिर इसमें नमक डालेंगे, फिर इसे भी मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि नमक सभी तरफ बराबर से फैल जाए। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथेंगे। गूंथते हुए मैंने नहीं दिखाया है, हमारा आटा कुछ इस तरीके से सूखा सूखा रहना चाहिए। यह आटा हाथ में भी नहीं आ रहा है और ज़्यादा ढीला भी नहीं है और सूखा भी नहीं है। यह आटा रोटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, 15-20 मिनट काफ़ी है, और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। पराठा बनाने से पहले अगर लोइयाँ बना ली जाए तो हमारे पराठे एक साइज़ के बनते हैं। वैसे बिना लोइयाँ बनाए भी इसे बनाया जा सकता है। और इसे पराठे का आकार देंगे यानी कि ये ट्रायंगल रूप में बेल लेंगे। बेलने के बाद इसे गरम गरम तवे पर सेकेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, ये मुनगा भाजी का पराठा है इसलिए इसमें पत्तियाँ भी दिख रही हैं। और सारे पराठे इसी प्रकार से बना लेंगे। देखिए एक एक करके बनते जाएगा। चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं और अगर चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। तेल अगर क्लिप्स में उन्होंने बताया है कि कैसे खाएं और कैसा खाएं, आप खुद ही सुन लीजिए वे क्या कहते हैं। कितना खाएं, उसके बजाय कैसे खाएं और कैसा खाएं, इसका महत्व बहुत है। और मुनगा भाजी को कंज्यूम करने के 5 रेसिपीज मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी आई बटन में। ये मेरी अपना इनोवेशन है, ऐसा मेरा क्लेम नहीं है, लेकिन मैं ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूँ। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था। और मेरे सप्ताह में एक दो बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूँ। और आज मुझे लगा है और आपने हैशटैग की चर्चा की है, तो मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूंगा। बिल्कुल। जब भी मैं माँ से बात करता हूँ तो तुरंत वो मुझे पूछती है कि बेटा तू हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। जहाँ पर हेल्थ की बात आती है, हेल्दी की बात आती है, तो मुनगा भाजी सबसे ऊपर है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसे सप्ताह में 1 से 2 बार लेना पसंद करते हैं। और जब उनकी माँ पूछती है हेल्दी लेते हो, तो उनके दिमाग में एक ही बात आती है, वो है मुनगा भाजी। तो देखा आपने, उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि वे अपने इस पराठे की रेसिपी को पब्लिकली लोगों को शेयर करना चाहते थे, और उसी रेसिपी को मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।